गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर लेसन सिक्स माई चाइल्डहुड. ओके, दिस लेसन हैज बीन रिटन बाई APJ अब्दुल कलाम. अबाउट द ऑथर, APJ अब्दुल कलाम वॉज एन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड ऑथर. ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामसरम मद्रास नाउ चेन्नई तमिलनाडु. ही स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग. ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बलास्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट अ विटल रोल इन इंडियाज पखरन सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974. ही रोट ए नंबर ऑफ बुक्स. ही गॉट पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न एंड सेवरल अदर अवार्ड्स. ही वॉज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007. ही डाइड ऑन 27 July 2015. ओके, अबाउट द पोइम, अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन ए तमिल फैमिली. एट दैट लॉन्ग एगो लाइफ वॉज वेरी सिंपल. देयर वर सम हु एक्सरसाइज्ड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कास्ट एंड बिलीफ. कलाम अ मुस्लिम हैड 3 friends एंड ऑल 3 बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज. एट द बैड टाइम ही वॉज टोल्ड इवेंट नॉट ओनली फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट बट ऑल्सो फ्रॉम द रामायणा. ही लर्नड ए लॉट ऑफ फ्रॉम हिज फादर एंड मदर. ऑल दीज थिंग्स डेवलप्ड एन ऑर्डिनरी चाइल्ड इंटू अ ग्रेट साइंटिस्ट स्टेट्समैन author and above all great human beings. Okay, before you read, yani can you think of any scientist who have been statesman? APJ Abdul Kalam, whose projects in space defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. Okay, I was born into a middle-class Tamil family in that island town of Rameswaram in the erstwhile Madras states. My father, Jainuluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. Okay, yani mera jan ye batate hain ki mera jan jo hai purane Madras prant ke gopni dvipi mera janm purane Madras prant ke dvipi नगर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था. मेरे पिता जैनुलबुद्दीन ने न तो पर्याप्त औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही उनके पास पर्याप्त धन था. इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उनमें सहज बुद्धिमत्ता एवं आत्मा की सच्ची उदारता थी. उनके पास आदर्श सहायक संगिनी के रूप में मेरी माँ आशियम्मा थी. मुझे उन लोगों की सही संख्या ज्ञात नहीं है जिन्हें वे माताजी प्रतिदिन भोजन कराया करती थी, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कुल मिलाकर
हमारा परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें कहीं ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ भोजन किया करते थे। ओके, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, वी लिव्ड इन आवर एंस्ट्रल हाउस विच वॉज बुल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एजेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ्स। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। ओके, यानी इसमें ही बताते हैं कि मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता, यानी मेरे पेरेंट्स जो थे बहुत खूबसूरत थे, लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्मा। उनमें उनके अनेक बच्चों में से थे एक था अपेक्षाकृत साधारण शक्ल सूरत वाला एक नाटा लड़का था, यानी ज़्यादा लंबा नहीं था मैं। हम अपने पैतृक मकान में ही रहते थे जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। वह रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंटों से बना काफ़ी बड़ा पक्का मकान था। मेरे कठोर व गंभीर पिता सभी प्रकार के अनावश्यक सुख साधन व विलासिता से दूर रहते थे, तो भी भोजन औषधि या कपड़ों को भी सभी आवश्यकताएं, यानी वो भोजन औषधि और कपड़ों की सभी आवश्यकताएं प्रदान कराई जाती थी। वस्तुतः मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक रूप व भावनात्मक रूप दोनों से सुरक्षित था। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन अन्ना। माई ब्रदर्स इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिन मनी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर, बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलियर्ड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक टू स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनकोटी। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, ओके शमसुद्दीन ओके यानी देन दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल द फर्स्ट टाइम। ओके यानी क्या होता है, जब मैं 8 वर्ष का था तब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। कुछ कारणों से मैं यह नहीं समझ सका कि बाज़ार में इमली के बीजों की मांग में अचानक उछाल आ गया था। मैं बीज इकट्ठे किया करता और उन्हें मस्जिद वाली गली में परचून की दुकान पर बेच दिया करता था। दिन भर के संग्रह से मुझे एक आने की अच्छी खासी रकम मिल जाया करती थी। मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे जिनको मैं बाद में दिनमणि समाचार पत्र में
शीर्षक में खोजने का प्रयास करता था। ओके, अलग अलग होने के कारण हमारा क्षेत्र युद्ध में पूरी तरह अप्रभावित था, लेकिन शीघ्र ही भारत संबंध सेनाओं से जुड़ने को मजबूर हो गया और कुछ आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। पहली हानि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने पर अस्थाई रोक के रूप में आई। अब समाचार पत्रों को गड्ढे बनाकर रामेश्वरम मार्ग पर रामेश्वरम तथा धनुषकोटी के बीच में चलती रेलगाड़ी में फेंकना पड़ता था। ओके, इसने मेरे चचेरे भाई जो मेरे चचेरे भाई थे ओके शमशुद्दीन को, जो कि रामेश्वरम में मेरे चचेरे भाई थे शमशुद्दीन जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटते थे ओके बांटने का काम करते थे, और गड्ढों जो समाचार पत्र के जो गड्ढी थी उनको पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश को मजबूर कर दिया। और जैसे कि स्वाभाविक रूप से मैंने इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी, यानी मैं भी अपने चचेरे भाई के साथ में ये काम करने लग गया। ओके, शमशुद्दीन ने मुझे अपनी पहली दिहाड़ी कमाने में मेरी मदद की। आधी शताब्दी बाद मैं अभी भी पहली बार अपना खुद का धन कमाने की गर्व की अनुभूति कर सकता हूँ। यानी पहली बार मैंने जॉब किया था अखबार फेंकने का, और उसके जो पेमेंट मुझे हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। ओके, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहर्टेड करेक्टरिस्टिक इन टू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहर्टेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। एज चिल्ड्रन नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ प्रकाशी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम फादर अरविंदन, वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, एंड शिवप्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। ओके, यानी इसमें वो बताते हैं कि प्रत्येक बच्चा कुछ पैतृक गुणों को लेकर दुनिया में आता है, ठीक है, कुछ पैतृक गुणों को लेकर संसार में पैदा होता है। ओके, यानी जो पैतृक गुण होते हैं हर एक बच्चे में झलकते हैं, अच्छे हों या बुरे खराब हों, ठीक है। विशिष्ट और उन पैतृक गुणों को लेकर विशिष्ट सामाजिक आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है तथा घर के विशेष लोगों से विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होता है। मैंने अपने पिता से ईमानदारी एवं आत्मसंयम और अपनी माता से अच्छाई में आस्था और गहन दयालुता विरासत में पाई, और ऐसे ही मेरे तीन भाइयों और एवं बहन ने किया। मेरे बचपन से मेरे तीन पक्के दोस्त हैं रामानंद शास्त्री, अरविंदन तथा शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। बच्चों के रूप में हमसे कोई भी धार्मिक अंतर तथा पालन पोषण के कारण कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं करता था। वस्तुतः रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। बाद में उसने अपने पिता से तथा शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खान पान की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बना।
ओके ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज द अरेंज बोट विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ राम तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वो टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली ओके अब यहाँ पर कहते हैं कि वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के समय हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने वाली विशेष चबूतरे वाली नावों का प्रबंध प्रयुक्त करता था। हमारे घर के आसपास राम तीर्थ नामक तालाब के बीच स्थित था। रामायण तथा पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं सोने के समय की कहानियां होती थी जिसे मेरी माताजी व दादी माँ हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। ओके वन डे आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री हु रोट द स्कर्ट थ्रेड ओके द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री ही लुक्ड अटली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो द इमेज ऑफ हिम वीपिंग वेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी ओके यहाँ पर वो बताते हैं कि एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में पाँचवीं कक्षा में पढ़ता था किसमें पढ़ता था फिफ्थ स्टैंडर्ड यानी पाँचवीं कक्षा में पढ़ता था तब हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए मैं टोपी पहना करता था जो कि मेरा मुस्लिम होना दर्शाती थी मैं हमेशा अगली पंक्ति में रामानंद शास्त्री जी के साथ बैठना पसंद करता था ठीक है अगली पंक्ति में रामानंद शास्त्री जो कि पवित्र धागा जनेऊ पहना करते थे उनके बराबर में मैं बैठा करता था नए अध्यापक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना पचा नहीं पाए यानी उनको अच्छा नहीं लगता था जैसा कि नए अध्यापक ने देखा हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार मुझे पिछली बेंच पर जाकर बैठने को कहा गया मुझे बहुत दुख हुआ और वैसा ही रामानंद शास्त्री को हुआ जब मैं अंतिम पंक्ति में अपने स्थान पर स्थानांतरित हुआ तब वह बहुत दुखी दिखाई दिया जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ तो उसके रोने के चित्र ने मुझ पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा यानी जब टीचर ने मुझे पीछे बैठने को कहा तो मेरा साथी भी जो कि हिंदू था वो भी दुखी हो गया आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट लक्ष्मणा शास्त्री समवर्न द टीचर एंड इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलोगाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर ओके यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है अपने बचपन के बारे में एजुकेशन किस तरह से होती थी किस तरह से उठा बैठा करते थे कैसे फ्रेंड थे उनके ये सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी है अपने बचपन के बारे में ठीक है उन्होंने बताया है कि
स्कूल के बाद हम घर गए, अपने अपने माता पिता को घटना के विषय में बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया और उन्होंने हमारी उपस्थिति में अध्यापक को बताया कि तुम्हें अबोध बच्चे, जो अबोध बच्चे हैं उनके मस्तिष्क में सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिक असहिष्णुता का विष नहीं घोलना चाहिए, यानी कि इनके माइंड में जाति धर्म इसके बारे में नहीं, कुछ मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अध्यापक से कहा था कि यह तो क्षमा मांगो या फिर स्कूल और द्वीप छोड़ दो। अध्यापक ने केवल अपने व्यवहार पर पछताया, लक्ष्मण शास्त्री को, लक्ष्मण शास्त्री की जो धारणा का तीव्र भाव प्रेरित हुआ था, अंततः इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। यानी वो अध्यापक ने अपनी गलती को महसूस किया और आगे फिर ऐसा भेदभाव नहीं किया। ओके, प्लीज टर्न ओवर। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन टर्म ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम लायर दाव एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ ए रिबिल। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपुल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। ओके, यानी उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर रामेश्वरम का एक छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था, तो भी मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, यद्यपि रूढ़िवादी ब्राह्मण और बहुत ही रूढ़िवादी पत्नी वाले थे, तथापि कुछ कुछ विद्रोही भी थे, उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का पूरा प्रयत्न किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियाँ, जो जितनी भी पृष्ठभूमियाँ हैं सारी चीज़ें हैं, उनके लोग आपस में आसानी से मिल सकें। वे मेरे साथ घंटों बिताते और कहा करते थे, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के साथ खड़े हो सको। ओके, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। ओके, शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, बट इनस्टीड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she has observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiv Subramanyam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiv Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Okay, yani kya hua, ek din unhone mujhe apne ghar par bhojan ke liye bulaya, okay, bhojan ke liye nimantran diya
उनकी पत्नी अपने धार्मिक विधि विधान से पवित्र रसोई घर में भोजन के लिए एक मुस्लिम लड़के को आमंत्रित किए जाने के विचार से भयभीत हो गई थी। उन्होंने अपने रसोई घर में भोजन परोसने से मना कर दिया। सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, ना ही वो परेशान हुए, ना ही वो नाराज हुए कि ऐसा कि पत्नी को डांटने लगे, ओके। और उन्होंने अपनी पत्नी से नाराज भी नहीं हुए, बल्कि इसके स्थान पर उन्होंने मुझे अपने स्वयं के हाथों से भोजन परोसा और अपना भोजन करने के लिए मेरे बराबर बैठ गए। उनकी पत्नी हमें रसोई घर के द्वार के पीछे से देख रही थी, ओके। उनकी पत्नी हमें रसोई घर के पीछे के द्वार से देख रही थी और मुझे लगा कि क्या उन्होंने जिस तरह मैंने चावल खाया, पानी पिया, भोजन के उपरांत फर्श साफ किया, सब कुछ फर्क पाया। जब मैं अपने उनके घर से जाने लगा तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे पुनः अगले सप्ताह भोजन पर आने का निमंत्रण दिया। मेरा जो संकोच है उसे देखकर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे यह कहते हुए परमेश्वर न होने को उन्होंने मुझे यह कहते हुए ये कहा कि परेशान न होने को कहा, तुम एक बार व्यवस्था को बदलने का फैसला तो कर लो, तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अंदर अपने रसोई घर में ले गई और मुझे अपने स्वयं के हाथों से भोजन कराया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, द इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी, द होल कंट्री।